Hello everyone, welcome back. And in this practical question number second, we are going to solve the value of the firm with the other approach called as net operating income approach. So in the previous lecture we have solved a sum which we have covered the net income approach. तो अभी net income approach से तो हमने सीख लिया कि कैसे value of the firm को calculate किया जाता है और overall cost of capital को हम calculate करते हैं. तो इस आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट अगर आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से करना है जो ड्यूरैंड ने दिया था तो कैसे होगा. लेट अस सी द क्वेश्चन नाउ. अ कंपनीज एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी इज ₹50,000. द कंपनी हैज ₹2,10,000 डिबेंचर्स. द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%. कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो सबसे पहले हम अभी अमाउंट हम साथ में ही लिखेंगे. तो यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन कर लिया है स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट इज कॉल्ड एज द ईबीआईटी. तो ईबीआईटी हमारा है 50,000 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000. देन ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट वो आपका बनेगा 12.5% जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया है. तो 50,000 इज द ईबीआईटी एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज हाउ मच. इट्स 12.5%. तो हम अगर पहले मेथड को कंपेयर करें, पहले अप्रोच को कंपेयर करें, तो हम क्या करते थे, इसमें से हम डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस करते थे. लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में आपको यहाँ पे डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, वो बाद में करना है. तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मिल जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. कैसे मिलेगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 12.5%. तो 50,000 डिवाइडेड बाय 12.5% अगर आप करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 4 लाख रुपए. आफ्टर गेटिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, एक चीज मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी थी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अभी नहीं लिखना है. तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म मिलने के बाद, 4 लाख मिलने के बाद हमें क्या करना है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लिखना है. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है हमारा, वो 2 लाख है, मतलब डिबेंचर्स का वैल्यू. इट्स वेरी सिंपल. क्या करना है आपको, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दैट इज डिबेंचर्स. फिर आपको क्या करना है, 4 लाख में से इस 2 लाख को माइनस कर देना है. तो यू विल गेट द आंसर ओवर हियर, दैट इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दैट विल बी 2 लाख. इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. नाउ अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अभी आपको लिखना है यहाँ पे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था. तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. देखो कैसे इसको कैलकुलेट करना है. अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब हमारे जो ऊपर ई बी आई टी है वही है 50,000 माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना परसेंट है डिबेंचर्स पे, 10%. डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, 2 लाख. तो 2 लाख का 10% हम पहले ऊपर माइनस करते थे, अभी यहाँ पे माइनस करना है. तो 50,000 माइनस 20,000 को डिवाइड करना है आपको डेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के साथ. तो इक्विटी का हमको कितना वैल्यू मिला है, इट्स 2 लाख. ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है. तो इसका मिल जाएगा आपको 0.15 और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज 15%. 50,000 माइनस 20,000 दैट विल बी 30,000. 30,000 को अगर हम 2 लाख के साथ डिवाइड कर लेंगे तो हमको 0.15 आएगा. अगर उसको हम इंटू 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 15%. तो अभी हमें ओवरऑल कॉस्ट ढूंढनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे ढूंढना है, ध्यान से देखना. देखो हमारा पुराना परसेंटेज कितना था, अभी मैं 10% है यहाँ पे है 10%. 10% क्या है, डिबेंचर्स का 10%. 10% डिबेंचर्स का रेट ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है हमारा, 2 लाख डिवाइडेड बाय ये 2 लाख कौन सा लिया, ये वाला. फिर टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है हमारा, 4 लाख. तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख ब्रैकेट क्लोज प्लस अभी हमको कितना परसेंटेज मिला, 15%. तो यहाँ पे आएगा 15, फिर ब्रैकेट में अगेन सेम 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख. वैल्यू सेम है, सिर्फ परसेंटेज अलग है. अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये पहले डिवाइड करके 10 प्लस करना, फिर 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख करके 15 प्लस करना, यू विल गेट द आंसर 12.5%. ठीक है, कैसे 12.5% आया, पहले आपको क्या करना है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख.
कितना मिलेगा 0.5, फिर 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा इसका ये ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा 5, और ये ब्रैकेट का आंसर कितना मिलेगा 2 लैक्स डिवाइडेड बाय 4 लैक्स 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो दैट विल बी 7.5, फॉर 5 प्लस 7.5 यू विल गेट द आंसर एज 12.5%. तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच विच वी हैव सॉल्व. आई होप दिस टू अप्रोचेस आर क्लियर टू यू. तो इसी तरीके से हम आगे कैलकुलेशंस करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. बाय बाय. टेक केयर.